राम जी ने हनुमान जी से पूछा, बताओ हनुमान सीता कैसे रहती है लंका में। हनुमान जी ने कहा, ना ही पूछो तो अच्छा प्रभु, एक एक पल युग के समान बीत रहा है माँ का। माँ पूछती है आपसे, किस अवगुण के कारण आपने दूर किया, बहुत दुखी है प्रभु। सीता जी का दुखड़ा कहते नहीं बनता। सीता जी का दुखड़ा सुनकर राम जी, जो कभी रोते नहीं, उनके आंखों में भी आंसू आ गए। हे हनुमान, तुमने आज जो मुझे समाचार सुनाया, मैं जन्म जन्म तुम्हारा ऋणी हो गया। ये उपकार के बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। बताओ हनुमान, लंका कैसे जलाई। भगवान ने हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगाया और पूछा, लंका कैसे जली। हनुमान जी ने कहा, माँ प्रभो आप हमसे क्या पूछते हो, आप डायरेक्टर है, हम एक्टर है, जो जो आप करवाते हो वो हम करते हैं। आपके राम नाम के प्रताप से मैंने लंका जलाई प्रभो, मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। चलो प्रभो हमारे साथ, अभी तक पता नहीं था, हम पहुँच नहीं पाए, अब पता मिल चुका है, चलो हमारे साथ राक्षसों को मारेंगे, सीता जी को लेकर आएंगे। किस तरह से हनुमान जी समाचार सुना रहे सीता जी का इन आगे के चौपाई में। बंसीवाला सावरिया आ जा रे, 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 मुरली वाला सावरिया आ जा रे, मुरली वाला सावरिया आ जा रे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, चलत मोहि चूड़ा मनि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी, अंज समेत गहे प्रभु चरणा, दीन बंद प्रण तारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, अपराग नाथ हो जागी, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना, नाथ सुनयन को अपराधा, निसरत दान करई हटिबारा, गिर अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जर क्षण मानि शरीरा, नयन सवहि जग निज हित लागी, जरे न पाव देह विरागी, सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे बलि दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि रामा, जाय कलप सम बीत रामा, बेगी चलिय प्रभु आनिय रामा, उज्ज्वल फल दल जीत रामा, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरियाए जल राजीव नैना, वचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझी अभिपति की ताई, का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कीति कबात प्रभु जातु दानकी, त्रिपुहि जितियानि भी जानकी, सुनु कपि तुइ समान उपकारी, नै को सुर नर मुनि तन धारी, कति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होइ न सकत मन मोरा, सुन सुत तोय उरिन मै नाही, देखो कर विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चित वसुर दाता, लोचन नीर पुलक अति गाता, सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख रामा, गात हरषि हनुमंत रामा, चरण परे वो प्रेमा कुल रामा, त्राही त्राही भगवत रामा, बार बार प्रभु चय उठावा, प्रेम मगन ते उठबन भावा, प्रभु कर पंकज कपि के दीसा, सुमिर सरसा मगन गौरी सा, सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए तब हृदय लगावा, कर गए पर मन कट मै धावा, कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि तह दुर्गति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान,
जाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाय। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निसि चरदन बड़ी निति न उजारा। सो सब तो प्रताप रघुराई, नादन कछु मोरी प्रभुताई। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं रामा, जा पर तुम अनुकूल रामा। तव प्रभाव बलवान लई रामा, जारि सकई खलु तूल रामा। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि वाणी, एवं अस्तु तब कहउ भवानी। उमा राम सुभाव जी जाना, काय भजन तज भावन आना। यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण सीधि पावा। सुनि प्रभु वचन कहै कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहा चले कर करउ बनावा। अब विलम्ब के कारण कीजे, तुरत कपिन कौ आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरषि, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेगि बुलाए रामा, आए जूतक जूत रामा। नाना वरन कुल बल रामा, बानर भालु बरोत रामा। जय सिया राम जय, जय सिया रामा। जय गुरुदेवा, जय मस्त रामा। सिया राम मैं सब जग जानी, करउ प्रणाम जोरी जुग पानी। बंसीवाला सावरिया आ जा रे, बंसीवाला सावरिया आ जा रे। ओ आ जा रे, राम जी के आगमन का शगुन हो रहा है जानकी जी को, और रावण राम जी के आगमन का अपशगुन हो रहा है रावण को। जय जयकार करते हुए, कंद मुड़फुल खाते हुए सब जा रहे हैं राम जी के पास, समुद्र के तट पर, इन आगे के चौपाई में। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला वसुदेव नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला वसुदेव नंदन गोपाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिंदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, करजई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितै कृपा करि राजवनैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भयउ पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन भयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। जासु सकल मंगल मै कीति, तासु पयान सगुन यहनी। प्रभु पयान जाना भय दे, पर के बामांग जनु कई दे। जोई जोई सगुन जान की हो, असगुन भय रावण नहीं सोई। जला कटक को भरने पारा, कर जय बानर बालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मई इच्छा चारी। हे हरि नाद बालु कपि करई, जगमगाई दिग्गज की करई। करन दिग्गज डोल मई गिरि, लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुकट रे। कट कट ही मर कट बिकट, बट बहु कोटि कोटि न धावई। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावई। सही सकन बार उदार अहिपति, बार बार ही मोहई।
सहत सहन पुनि पुनि कमाट कष्ट कठोर सोकिनि सोई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमाट थर पर सर्प राज सो निकट विचल पावनी। एही विधि जाय कृपा निधि रामा उतरे सागर तीर रामा। जह तह लागे तान बल रम बालु विपुल कपि वीर रामा। जय सिया राम जय सिया रामा जय गुरुदेवा जय मत रामा। सिया राम में अब जग जाने करउ प्रणाम जोर जुगमा। हाँ गोपाला गोपाला देवक नंदन गोपाला। ओ गोपाला गोपाला देवक नंदन गोपाला वसुदेव नंदन गोपाला। ओ देवक नंदन गोपाला। सारे वानर समुद्र के तट पर, लेकिन जब से लंका जलाकर गए हनुमान जी, सारे लंकावासी भयभीत है। जिसके सेवक ने इतना बड़ा काम कर दिया तो स्वामी के आने पर क्या होगा। मनुधरी आई है रावण को समझाने। नाथ सीता काली रात के समान आई है लंका में, सीता को लौटा दो वरना शिव जी भी आपको नहीं बचा सकते। रावण ने कहा मेरी पत्नी होकर घबराती हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं बाहर निकलता हूँ तो देवता गुफा में चले जाते हैं, मैं पृथ्वी पर कदम रखता हूँ तो भूकंप आ जाता है, वरुण कुबेर सब मुझसे घबराते हैं और मेरी पत्नी होकर तुम घबरा रही हो, जाओ जाकर आराम करो। पत्नी समझ गई मंदोदरी, रावण का काल निकट आ गया इसलिए बात समझ में नहीं आती। रावण ने पूछा राक्षसों से, बताओ वो वानर सेना की हालचाल क्या है। राक्षसों ने कहा चिंता मत करो स्वामी, समुद्र के तट पर वो आ चुके हैं, अभी हम जाएंगे और उनको खा लेंगे। उतने विभीषण जी आए, बोले भाई चापलूसी करना बहुत लोग जानते हैं, सत्य बोलना बहुत कम लोग जानते हैं। तीन पात्रों ने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए संसार में। गुरु को चाहिए शिष्य से झूठ ना बोले वरना उसका पतन हो जाता है। डॉक्टर को चाहिए रोगी से झूठ ना बोले वरना उसका मृत्यु हो जाती है। और मंत्री को चाहिए राजा से झूठ ना बोले वरना उसका राज्य बर्बाद हो जाता है। वो राम 14 भवन में एकमात्र स्वामी है। पर धन पर नारी जहर के समान होते हैं रावण, काम क्रोध और लोभ नरक के रस्ते है। वो राम ब्रह्म है, व्यापक है, अनंत है, अनादि है। किन चार के लिए अवतार लिया भगवान ने? कौन चार है जिसके लिए अवतार लिया भगवान ने? कौन कौन रामायण पढ़ता है हाथ ऊपर करना? एक भी नहीं पढ़ते रामायण? एक। तो किसके लिए भगवान ने अवतार लिया? विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता और संत। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हे भाई, वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। रावण मेरी बात को मानो, सुमति और कुमति सबके मन में होती है, जहाँ सुमति था संपत्ति जहाँ कुमति था विपत्ति। तो किस तरह से मंदोदरी और विभीषण समझा रहे रावण को इन आगे के चौपाई। उठ उठ रे मारा ज्ञानी रे जीवड़ा, दो घड़ी प्रभु रो भजन करो, दो घड़ी हरि रो भजन करो। उठ उठ रे मारा ज्ञानी रे जीवड़ा, दो घड़ी प्रभु रो भजन करो, दो घड़ी हरि रो भजन करो। दयाल मेरे तो संभारी, अरहु नाथ मम संकट भारी। हमेशा
निशाचर रहै शशंका जब ते जार गयो कपिलंका सब करे विचारा नै निशचर कुल के रौवारा व्यास दूत बल बरन जाई ते आए पुर कवन भलाई दूत नसन सुन पुर जन बानी मंदोदर अनेक बुलानी रस जोरी करे पति पग लागी बोली वचन नीति रस पागी कंत कर शहर सन पर हरो मोर काति तय धरो समझत जास दूत करनी निज सचिव बुलाई पठव कंत जो चहो बुलाई तव कुल कमल बिपिन दुखदाई सीता सीता निसल समाई सुनहु नाथ सीता बिनु दीने इतने तुमार शंभु अज कीने राम बान गए घन सरिस रामा निकर निशाचर भेक रामा जब लगे ग्रसतन तब लगे रामा जतन करो तजी टेक रामा शवन सुनी सलिता करी बानी बीसा जगत विदित अभिमानी सब स्वभाव नार कर साचा मंगल मोबय मनाती दाचा जो आवई मर कट कट काई जिये विचारे निश्चर खाई संपय लोक बजाती त्रासा तासो नान सबित बड़ी आसा अस्कई भी अस्ताई उरलाई चले सभा ममता अधिकाई मंदो दरीर लेकर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता बैठे सभा खबरी सिपाही सिंधु पार सेना सब आई भोज सचो जित मत कहो ते सभा से मस्त कर लो जिते सुराशु तम शमनाई नरबा नर की लेके माई सचिव बेद गुर तीनी जो रामा प्रिय बोले भय आस रामा राज धर्म तन तीन कर रामा होई पे की ही नास रामा सोई रावण को मनी सहाय अस्तित करे सुनाई सुनाई अवसर जाने विभीषण आवा भ्राता चरण शीश लेनावा कुन सिरनाई बैठ निज आसन बोला बचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछो मोय माता मन रूप कहो इत दाता जो आपन चाहे कल्याणा शुभ सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नार लीला रत खाए तजो चौथ के चंद किनाई चौदह भुवन एक पति होई भूत जो तिष्ठै नहीं सोई गुण सागर नागर नर जोई अल्प लोभ बल कहि न को काम क्रोध मद लोभ सब रामा नाथ नरक के पंथ रामा सब परिहर रघुबीर हि रामा बजौ बजै जय सत रामा सात राम नै नर भूपाला भुवनेश्वर कालौ कर पाला दीन दीवितकारी कृपा सिंधु मानस तनुदारी जनरंजन भंजन कल प्राता वेद धर्म रक्षक सुनाता साई बैलत जिनाई माता प्रंता रति भंजन रघुनाता देहु नाथ प्रभु को गए दे भजौ राम बिनु हे सुखने शरण गए प्रभु तावन त्यागा विश्व द्रोह कृत अग्नि लागा जासु नाम ते कामन सावन सोई गुरु करे समझ लिए रावण बारी बारी पति लागौ रामा विनय करौ दस शीस रामा हरि हरि मान मोह मद रामा भजौ कौशलाधीश रामा मुनि पुलस्ति निज शीष सन रामा कही पटाई यह बात रामा तुरत सुमय प्रभु सन कही रामा आई सुअवसरुतात रामा माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु पचन सुनि अति सुकमाना तात अनुज तव नीति विभूषण सोवन धर्म सुकात विभीषण विपुत कर सहत सट दो दूरिन करू या है को माल्यवंत ते कयो गोरे कई विभीषण पुन कर जोरे सुमति कुमति सब के उर रही नाथ पुराण निगम अस कई जहां सुमति ता संपत्ति नाना जहां कुमति ता विपत्ति निदाना तौर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानव विपरीता काल रात निश जल कुल के नीचे सीता पर प्रीति गनेरी तात चरण गई मां गौ रामा राखौ मोर दुलार रामा सीता देव राम कहिउ रामा अहित न होइ तुम्हार रामा जय सिया राम जय सिया राम जय गुरुदेवा जय मत रामा सिया राम में सब जग जाने करउ प्रणाम जोरि जुग पानी उठ उठ रे मारा ज्ञानी रे जीवड़ा
दो घड़ी प्रभु रो भजन करो, दो घड़ी हरि रो भजन करो, ओ दो घड़ी प्रभु रो भजन करो, ओ दो घड़ी हरि रो भजन करो। विभीषण जी ने समझाया रावण को। रावण ने कहा, बड़ा गुरु बनकर मुझे तू ज्ञान दे रहा है, मेरे राज में राज्य करते हुए तपस्वियों में तुझे प्रेम कैसे हो गया? विभीषण, तेरी नीति उनको जाकर सुना, मैंने तेरी नीति मानी तो मेरी लंका जल गई। चरण प्रहार किया सर के ऊपर विभीषण जी के रावण ने, और रावण ने कहा, मैंने आपको पिता समान समझा है हमेशा, आपने मुझे मारा पुत्र समझकर, फिर भी भगवान आपका कल्याण करे। विभीषण जी ने एक विमान लिया, एक सेवक को साथ में लेकर जा रहे राम जी के शरण में। जैसे विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, बाबा जी कहे, लंका का वैभव जा रहा है, जिस नगर से कोई साधु कोई संत नाराज होकर जाता है, अपमानित होकर जाता है, उस नगर में सबकी आयु कम हो जाती है और उस नगर में कभी वैभव नहीं आता। छह भक्तों को याद कर रहे विभीषण जी जाते जाते, आज मैं कितना किस्मत वाला हूँ, वो चरणों के दर्शन करूंगा जिससे अहिल्या तर गई, आज मैं वो चरणों के दर्शन करूंगा जिस दंडकवन नासिक गोदावरी पावन हो गई, वो चरणों के दर्शन करूंगा शिव जी धारण करते हृदय में, और वो चरण के दर्शन करूंगा जिस चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान किया। तो किस तरह से विभीषण जी का अपमान कर रहे रावण, किस तरह विभीषण जी जा रहे राम जी के शरण में इन आगे के चौपाल। हम तो तेरी शरण में आए श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारे वेंकट रमना गोविंदा, मेरा भक्त वत्सला गोविंदा। हम तो तेरी शरण में आए श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारे वेंकट रमना गोविंदा, मेरा भक्त वत्सला गोविंदा। भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी, बुद पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, जैसी सदा सट मोर जियावा, विपु कर पच्छ मूड दोई भावा, मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सट मिलु जाय तिनहु कौ नीति, उमा संत कई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, सचिव संग ले नव पत गयो, राम सत्य संकल्प प्रभु रम सभा, पाल बस तोर रामा, रघुवीर चरण बरामा, जाओ देव जन तोर रामा। हस कई चलक भीषण जब आयु हीन भय सब तब ही, साधु वज्ञा तुर तब वाणी कर कल्याण दिल के हानि, रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चलो हर्ष रघुनायक पाई करत मनोरथ भव मन माई, देखियो जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, पद परश तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन गारी, जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाए, सर सरोज पद जे अहो भाग्य में देखियो ले, जिन पायन के पादुक निरम भरत रहे मन लाए रामा, पद आज मिलो की हो रम इन नयन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय गुरुदेवा जय भक्त राम, सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम, हम तो तेरी शरण में आए श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमना गोविंदा, मेरा भक्त वत्सला गोविंदा, मेरा वेंकट रमना गोविंदा, मेरा भक्त वत्सला। विभीषण जी राम जी के शरण में
लेकिन सुग्रीव ने राम जी को मिलने नहीं दिया विभीषण से। बोले प्रभु मायावी का भाई आया है, कोई भक्त बनकर हमारा भेद लेने तो नहीं आया ना। प्रभु सावधान, राम जी ने कहा सुग्रीव डरो मत, आने दो विभीषण को। पहली बात तो पापियों को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता, उनको मनोरंजन अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई भक्त मेरे सामने आता है मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ। हे विभीषण, हे सुग्रीव, मुझे वही पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। आने तो सुग्रीव, विभीषण जी संत है, संत के लिए भगवान ने हनुमान जी और अंगद जी को भेजा। और विभीषण जी ने जैसे ही देखा हनुमान राम जी को फटिक शिला पे ऊपर बैठा, दंडवत प्रणाम किया राम जी को, आनंद को भी आनंद देने वाले राम जी का दर्शन करने के बाद विभीषण जी को राम जी ने हृदय से लगाया, उठाया गले से लगाया। इन आगे की चौपाई हूँ जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन प्रभु मेरा जीवन होगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर गरत सप्रेम विचारा आये उस पद सिंधु पारा ताही राम कपिस पै आए समाचार सब ताई सुनाए। का प्रभु सखा पूजिए कहा कहै कपिस सुनौ नर नाहा भेद हमा वेद हमार लेन सट आवा राखी पानी मोई अस भावा सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना शरणागत जो जेत जहि रामा निज अनहित अनु मानी रामा विप्र बदला गई जाऊ आए शरण तजौ नहीं गाऊ पापवंत कर सहज सुभाव भजन मोर ते भावन गाऊ निर्मल मंजन सो मुई पावा मोई कपट छल छिद्र न भावा जग मऊ सका निशाचर जेते लक्ष्मण हनै निमिष मऊते थे उभय भांति तेहि आनहु रामा हसी कहा कृपा निकेत रामा कृपाल कही कपे चले रामा सादर ते आगे करी बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर बहु राम छवि धाम बिलोकी रहे ठटुकी एक टक पल रोकी सिंध कंद आयुत उर सोहा आनन अमृत मदन मन मोहा नाद दशानन कर मैं ब्राता निश्चर बंस जन्म सुत्राता क्षवन सुज सुनि आयो रामा रो बंजन भो भीर रामा जय सिया राम जय सिया राम जय गुरुदेवा सिया राम में करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा उस दिन सफल मेरा।
सफल मेरा जीवन होगा। 75% हो गया सुंदरकांड, 15-2 और बचे हमारे पास। कठिन जा रहा है क्या आपको? सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसमें आप सो नहीं सकते, क्योंकि हाँ आप झपकी लेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे खबर नहीं। और वैसे भी नगाड़े बजते रहते हैं तो लगातार तो कोई झपकी ले ही नहीं सकता। कथा में तो आधे दिन सोए रहते हैं क्योंकि कान ही खुले रखना पड़ता है उसमें। सुंदरकांड को तो खुद होके सम्मिलित होकर गाना पड़ता है, बहुत कठिन है ना, आसान नहीं है बिठा कर रखना। ये तो गुरु कृपा है, ये मधुरता जो आपको लगती है ये सब गुरुदेव की कृपा है, वो ही बिठा कर रखते हैं हमको और आपको दोनों को। इसलिए पुष्प गिरा हनुमान जी के तस्वीर से। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। भोग वैभव ऐश्वर्य को छोड़ो, भोग वैभव ऐश्वर्य को छोड़ो, गुरु की सेवा सबसे बड़ी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे। जब हम हमारे गुरुदेव के पास में जाते थे तो हमने हमारे गुरुदेव से कहा, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ बाबा, मैं नौकरी करूंगी। बाबा ने कहा, हट, अपने जैसे नौकरी करते हैं क्या? अपने जैसे तो राम राम करते हैं। इसलिए खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला, हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। संसार में हम और आप कितने कार्य काम आ सकते हैं, हमारा जीवन किसी को काम आए। हमेशा यही दुआ करना भगवान से कि हमारा हर श्वास काम आए, भजन करे, हमारा श्वासों श्वास भजन चलता रहे और हम किसी के काम आए। वरना मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे भाई बहन, संसारियों के गुलाम बनते हम लोग, संसारियों को मान देते हम लोग, उनको इज्जत करते करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा ये नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा
वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ बाबा तेरी सबसे बढ़िया। आप ये जो टीवी पर एलईडी पे देख रहे हो, हमारे गुरुदेव का स्थान है बासी, राजस्थान कोटा के पास में, कोटा से 90 किलोमीटर दूरी पर बूंदी के पास में हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि है, जिनका नाम है बासी। बाबा का मंदिर बनाया है, गौशाला है, सारे भक्त यहीं से उनको भेजते हैं, यहाँ से जो भी दान धर्म करना है, जो जुड़े हुए लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं बाबा के, वो सब बासी में अपनी अपनी सेवा देते हैं। वो केवल 7,000 की बस्ती है, वहाँ से कुछ नहीं हो सकता, यही से भक्त लोग वहाँ पर अकाउंट में डालते हैं। हम हमारे हाथ में नहीं लेते हैं, अकाउंट नंबर में जिसको जो भी करना है सेवा, वो वहाँ पर सेवा कर सकते। इसलिए एक योगी दीवानी हूँ मैं, धूल चरणों की जाती हूँ मैं, आखिरी इच्छा है ये मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सद्गुरु सरकार की। विभीषण जी को भगवान ने पूछा, विभीषण तुम लंका जैसे नगरी में कैसे रहते हो, दुष्ट नगरी में? तुम धर्मात्मा हो विभीषण, तुम्हारा धर्म कैसे टिकता है लंका में? विभीषण ने कहा, प्रभु ये पांचों चोर ने किसी को नहीं छोड़ा संसार में, काम क्रोध लोभ राग और द्वेष, सबके हृदय में अंधकार करके बैठे ये चोर, लेकिन जिस पर आपकी कृपा हो जाती है और आप भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हो धनुष बाण लेकर, तो भक्त के हृदय में इच्छा पांचों चोर भाग जाते हैं और उस भक्त के हृदय में करोड़ों सूर्य का प्रकाश छा जाता है। राम जी ने कहा, विभीषण जो कपट छोड़ देता है उसको मैं तुरंत साधु बना देता हूँ स्वभाव से। जो माता पिता पुत्र पत्नी संपत्ति सबके रिश्तों की डोरी मेरे चरणों में बांध देता है उसका मैं तुरंत कल्याण करता हूँ। विभीषण तुम जैसे संत मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है। आओ विभीषण मैं आपको लंका का राजा बनाऊँ। विभीषण जी ने कहा, प्रभु मुझे राजा नहीं बनना, मैं ये भी नहीं कह रहा है कि मैं मुझे वासना नहीं थी मेरे अंदर, मैं जब आपके पास आ रहा था तब मेरे मन में वासना थी कि भगवान मुझे कुछ देंगे, लेकिन जैसे ही मैंने आपके चरण कमल के दर्शन किए मेरी वासना नदी में पानी की तरह बह गई। देना हो तो भक्ति का वरदान दो प्रभु, मेरे मुझे राजा नहीं बनना। राम जी ने कहा, विभीषण मेरा दर्शन और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता, राजा आपको बनना पड़ेगा। और विभीषण जी का राज तिलक किया भगवान ने, जिस 10 सिर को चढ़ाया शिव जी को रावण ने, तब जाके लंका का राज्य पाया। लेकिन आज ये विभीषण कुछ नहीं दे रहा है भगवान को, फिर भगवान उसको लंका का राजा बना रहे हैं। ऐसे दयालु भगवान का जो भजन नहीं करता बिना पूछ का जानवर नजर आ रहा है तुलसीदास जी महाराज को, तो किस तरह से विभीषण से पूछ रहे हैं, विभीषण जी क्या बता रहे हैं इन आगे के चौपाई में। देता हरदम सांवरे तुहारे का साथ, मैं भी जग से हार के आया आमल मेरा हार। देता हरदम सांवरे तुहारे का साथ, मैं भी जग से हार के आया आमल मेरा हार। मंगल
भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरत संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे अस कई करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल हृदय लगावा अंज सहित मिल ढिग बैठारी बोले वचन भगत भय हारी कौलंकेश सहित परिवारा कुशल कुटार वास कुमारा फल मंडली बसौ दिन राति सखा धर्म निभै के भाति बरुबल बास नरक करताता दुष्ट संग जन दे विदाता अब पद देखि कुशल रघुराया जो तुमति निजान जनताया तब लगी कुशल न जीव कहु राम सपने हु मन विश्राम रामा जब लगी भजतन राम कहु राम लोक धाम तज काम रामा तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना जब लगी उरन बसत रघुनाथा धरि शाप सायत कटिवाना ममता करुण तमी अंधियारे राग द्वेष उलुक सुखकारे जब लगी बसत जीव मन माई जब लगी प्रभु प्रताप रविनाई अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा पर अनुकूला काहि न व्यापति विद भव मैं निश्चर अति अदम स्वभाव शुभ आचरण कीन नहीं काऊ स्वरूप मुनि ध्यान रावा ते प्रभु हर हृदय मोहि लावा अहो भाग्य मम अमित अति राम राम कृपा सुख पुंज रामा देखो नयन मिलांच शिव राम सर्व जुगल पद कांज रामा सुनो सखा निज कहो स्वभाव जानब शुंड शंभु गिर जाओ जो नर होइ चराचर द्रोही आवे सबय शरण तजि मोही तज मद मोह कपट छल नाना करउ सत्य ते साधु समाना जननी जनक बंधु सुत धारा तनु धन भवन सुहत परिवारा सबके ममता ताक बटोरी मम पद मनै बांध बरिडोरी समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माए सज्जन मम उर्बस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे तुम सारे के संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आनंद होरे सगुन उपासक पर हित रामा नीरत निज दृढ़ नेम रामा हे नर प्राण समान मम रम जिन के निज पद प्रेम रामा सुनु लंकेश सकल गुण तोरे राते तुम अतिशय प्रिय मोरे राम वचन सुनि बानर जूता सकल कहे जय कृपा भरोता सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं अगात श्रवणामृत जाने बदाम तुझ गई बारे बारा हृदय समातन प्रेम अपारा सुनो देव सचराचर स्वामी अंत पाल उर अंतर जामे उर कछु प्रथम वासना रही कबु पद प्रीति सरित सोभई अब कृपा निज भक्ति पावनी देव सदा शिव मन भावनी एवं अस्तु दई प्रभु रघुवीरा मागा तुरत सिंधु कर नीरा यद्यपि सखा तव इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही अस कहि राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नव भई अपारा रावण क्रोध अनल निज रामा श्वास समीर प्रचंड रामा जरत विभीषण राखे ओ रामा दीने ओ राजो कंक रामा जो संपद शिव रावण ही रम दीन दिए दस मास रामा कोई संपदा विभीषण ही रम सब कुछ दीन रघुनाथ रामा जय सिया राम जय सिया राम जय गुरुदेवा जय मत रामा सिया राम में करो प्रणाम देता हरदम सांवरे तुहारे का साथ देता हरदम सांवरे तुहारे का साथ मैं भी जग से हार के आया थाम लो मेरा हाथ मैं भी जग से हार के आया थाम लो मेरा हाथ राम जी ने विभीषण जी से पूछा बताओ विभीषण ये अपार समुद्र को पार कैसे करे वैसे तो आपका एक बाण करोड़ों समुद्र को सुखा सकता है लेकिन आपके कुल गुरु है समुद्र देवता मेरी ऐसी इच्छा है कि आप 3 दिन तक अन्न और जल का त्याग करो समुद्र तट पर आसन लगाओ मुझे विश्वास है समुद्र भगवान आपको अवश्य उपाय बताएंगे राम जी को विभीषण जी की बात अच्छी लगी लेकिन लखन जी को पसंद नहीं आई और लखन जी को भगवान कैसे समझाएंगे कि उससे पहले किस तरह से विभीषण जी से पूछ रहे हैं इन आगे के
चौपाई में। चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण गावा, कलयुग में सत्ययुग लावा हो, कलयुग में सत्ययुग लावा हो, आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण गावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पस बिन पूछ बिशाना, निज जन जानिताई अपनावा प्रभु स्वभाव तम कुल मन भावा, मुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपाल प्रतारण मनुज सब जुग प्रधान, सुन कपीस लंका पति धीरा, तई विधि करै जति गंभीरा, सकुल मकर और रब जस जाति, अज्ञात दुष्कर सब भाति, कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असि जाय, विनय करिय सागर सन जाय, प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि रामा, कहियो उपाय बिचारी रामा, बिनु प्रयास सागर तरहि रामा, सकल भालु कपि धारी रामा, जय सिया राम जय, जय सिया रामा, जय गुरु करऊ प्रणाम, खम्मा खम्मा ओ मारा रूने छे राधनिया, खम्मा खम्मा ओ मारा रूने छे राधनिया, ओ बाबा थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, ओ आखो गुजरात हो, ओ अज थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, ओ अज माल जीरा कवरा, राम जी का लखन शांति रखो। शांति से अगर बात बन सकती है तो शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है। जैसे ही राम जी ने समुद्र तट पर आसन लगाया, रावण ने दो दूतों को भेजा जिनका नाम था शुक और सारंग। दोनों मायावी बंदर बनकर आ गए और वानरों के दल में प्रवेश कर गए। सुग्रीव पहचान गए, ये हमारे दल के वानर नहीं है। नाक और कान काटने के लिए दौड़े, उतने में शुक और सारंग अपने असली रूप में आए और कहने लगे, राम कसम अगर आपने हमारे नाक और कान काटे तो। सुग्रीव ने दोनों को क्षमा किया, लखन जी के पास भेजा। लखन जी ने भी दोनों को क्षमा किया, रावण के लिए एक समाचार भेजा इन आगे के चौपाई में। ओ रुतला बाई काटा का नान काढ़िला, रुतला बाई काटा का नान काढ़िला, रुतला बाई काटा का नान काढ़िला, रुतला बाई काटा का नान काढ़िला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, नाथ देव कर कवन भरोसा, शोषय सिंधु कर मन रोषा, आदर मन कहु एक धारा, देव देव आलय पुकारा, सुनत भी हसी बोली रघुबीरा, ऐसे ही करब धरौ मन धीरा, अस कहि प्रभु आनु जैसा बुझाए, सिंधु समीप प्रणाम की
निकट दर्ब डसाई विभीषण प्रभु पयाई पाचे रान दूत पठाई सकल चरित किन देखे रामा धरे कपट कपि दे हरामा प्रभु बखान ही राम सुभाऊ अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ रिपु के दूसल कपिन तप जाने सकल बांधी कपिस पहियाने कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर अंग भंग कर पठवाऊ निशिचर सुनी सुग्रीव बचन कपिधा प्रकार मारन कपी लागे दीन पुकारत तदपीन त्यागे जो हमार हर नाथ लक्ष्मण सब निकट बोलाए दया लागी हसी तुरत चोड़ाए रावण कर दे बात लक्ष्मण बचन बाजु मम संदेशु उदार रामा सीता दे मिलो नथ रामा आवा काल तुमार रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय गुरु देवा जय मस्त रामा सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी सुख पाए हो रुत लबाई काटा काना ने काढ़िया और सारंग रावण के दरबार में और रावण ने पूछा बताओ भगोड़ा विभीषण के हालचाल क्या है जो मेरे राज में राज्य करते हुए तपस्वियों में जाके मिल गया जो वानर हमारे भोजन है बेचारा समुद्र बीच में आ गया वरना कब के हम जाकर खा लेते उनको वो दौरा राजकुमार जिनके मन में मेरा डर बसा हुआ है वो कैसे है शुक और सारंग ने कहा स्वामी क्षमा करना जिसको आप भगोड़ा बोल रहे हो उसको तो जाते से ही राम जी ने लंका का राजा बना दिया अच्छा और सुनो स्वामी एक वानर जो आया था लंका जलाया था वो सबसे छोटा है उनके पास में ऐसे करोड़ों अनुप वानर है एक एक वानर आपके लंका को जीत सकते हैं लेकिन राम जी आज्ञा नहीं दे रहे और वो दो राजकुमार क्या कहे उनके बारे में करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं उनकी सुंदरता को देख कर तो किस तरह से शुक्र सारंग से रावण पूछ रहा है शुक्र सारंग किस तरह जवाब दे रहे हैं इन आगे के चौपाई राम के भक्त हनुमत ओ बजरंग बली अपने चरणों में ऐसे बिठाना हमें राम के भक्त हनुमत ओ बजरंग बली अपने चरणों सीताराम को जपे राह भक्ति की ऐसी दिखाना हमें हम तुम्हारी तरह सीताराम को जपे राह भक्ति की ऐसी दिखाना दीन दयाल वीर दुसंबारे हरहु नाथ हम संकट मारे दूत नाई लक्ष्मण पद माता चले दूत बरनत गुण गाता करत राम जस लंकाए रावण चरण शीश दिनाए दिएस दशानन पूछी पाता कसिन सुख आपन कुशलाता गुण गो खबरी विभीषण केरी जाए मृत्यु आई गति नेरी करत राज लंका सत त्यागी हो है जब कर कीट अभागी गुण गो बाल पीठ कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आए जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा कौ तपसिन के बात भोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी की भई भेंट की फिर गए रामा श्रवण
सुनि मोर राम। ओ कहते नरि पुदल तेज बलरामा, बहुत चकित चित तोर राम। नाथ कृपा कर पूछो जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। रावण दूत हमें सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सुत बरन जाई। जयपुर दयो हते सुत तोरा, सकल कपिन माते बलु तोरा। गदिमुख के हरि निसट सट रामा, जामवंत बलराशि राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय गुरु देवा, जय मस्त रामा। सिया राम मैं सब जग जानी, करउ प्रणाम जोरी जुग पानी। कभी प्यासे को पानी पिलाया बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यारे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। शुकर सारंग कुरावन ने कहा, जो डरपोक होता है उसको कभी विजय नहीं मिलती। जो हमारे भोजन है वो हमसे युद्ध नहीं कर सकते। धुराज कुमार जिनके नारी का दुख में दुखी है वो भी मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। जब फिर से रावण ने अपमान किया तीनों का, तब शुक और सारंग ने लखन जी द्वारा दिया गया समाचार रावण को सुनाया कि उनके छोटे भाई ने आपके लिए एक समाचार भेजा है, उसको पढ़ो समझो, फिर जो मन में आए वो करो। तो किस तरह से शुक और सारंग को अपमानजनक शब्द में रावण पूछ रहा है, और शुक और सारंग किस तरह लखन जी का दिया गया समाचार सुनाएंगे इन आगे के चौपाई में। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दयाल संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। एक भी सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई कुनाना। राम कृपाल लिख बल तिनहिं गन समान, त्रैलोकी गनई। मैं सुना श्रवंद सिकंदर, पदम अठारह धूतव बंदर। नाथम कर्म सो कवि जानी, जो नत मई जी तेरन माई। परम क्रोध भी जय सब हाता, आयस कैन दे रघुनाता। शो सै सिंधु सहित जज ब्याला, पूर्ण नित भर कुदर विशाला। मर्दी गर्दी मिलवाओ दस दीसा, ऐसे वचन गाए सब दीसा। गर जय तर जय सहज अशंका, सहज सूर कपि भालु सब राम। सिर पर प्रभु राम रामा, रावण काल कोटि कौ रामा। जीति सकै संग्राम रामा, राम तेज बल बुध विपुलाई। शेष सत सब सकै न गाई, सकसर एक सोषि सत सागर। कौ भाते पूछो ने नागर, दास वचन सुनि सागर पाई। मागत पंत कृपा मन मान, सुनत वचन बिर सागर सीसा। जो असिमति साए दुख बीसा, मूड मूषा का कर सी बढ़ाई। रिपु बल बुद्धि था मैं पाई, सुन खल बचन दूत रिस बाड़ी। समय विचारी पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीनिया पाती। नाथ बजाई सुरावो जाती, बीसी बाम कर लीनी रावण। बोली सट ला
भाग बचावन बातन मन ही रिजाई सतनम जन घाल सिकुल की सरामा राम विरोधन उबर श्रीरम चरण विष्णु जी सरामा कीत जी मान अनुज इव रामा प्रभुपद पंकज भृंग रामा होई की राम सरागल रामा फल फल सहित पतंग रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय गुरुदेवा जय मत रामा सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री वृंदावन राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे जतिपुरा मां राधे कृष्ण बोलो राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोपी बोले राधे राधे ग्वाला बोले राधे 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 आप जानकी को लौटा दो। रावण ने कहा जिस तरह विभीषण गया है उनके पास तुम दोनों भी चले जाओ। चरण प्रहार किया दोनों के ऊपर, जा रहे दोनों अपना उद्धार करने के लिए। पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे, इस जन्म में अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। जा रहे अपना उद्धार करने के लिए। तीन दिन बीत गए, अभी तक समुद्र भगवान की तरफ से कोई उत्तर नहीं। राम जी को क्रोध आया। राम जी ने कहा लाओ लखन मेरा धनुष और बाण, कभी कभी बिना भय के प्रेम नहीं होता। हम कितनी बातें बोल देवे लेकिन आधे लोग भय से भक्ति करते हैं और आधे लोग धन से भक्ति करते, लोभ से। अभी आपको बोले कुछ हो जाएंगे तुरंत आप मान लोगे और भय से वो हो जाता है। भय से भक्ति करना ठीक नहीं है, लोभ से भक्ति करना ठीक नहीं है। चरणों की प्राप्ति होना चाहिए गुरुदेव के, इसलिए भक्ति करना चाहिए। तो किस तरह से शुकुर सारंग जा रहे हैं राम जी के शरण में इन आगे के चौपाई में। पाउड़े सरती पंडरी सिवाट सुखी संसाराची तोडूनी गाठ सुखी संसाराची तोडूनी गाठ मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दशानन सब ही सुनाई भूमि पराकर गद बासा लब रामस कर बाग विलासा कह सुखनाथ सत्य सब बानी समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी सुनऊ वचन मम परिहर क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा अति कोमल रघुवीर स्वभाव जग में अखिल लोक कर राव मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे ही उर अपराधन एक उदरे सुता रघुना तई दीजे इतना कहा मुहूर प्रभु कीजे जब देखा देन मैंने चरण प्रहार की न सट दे नाही चरण सिर चला सुता कृपा सिंधु रघुनायक जाहा करि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा बनि लगि माई ऋषि अगस्त की शाप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी बंदि राम पद बारे बारा आश्रम कौम धारा विनय जल दी जल रामा गए दिन दिन बीत रामा बोले राम सकोपत
गुरुदेवा पाऊळे सळती पंढरी शिवाट जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल सभी गाय जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल राम जी का लखन कंजूस के सामने कभी नीति की बात मत करो, दुष्टों के सामने कभी प्रीति की बात मत करो, जो घर में बहुत ममता रखता है उसके सामने कभी ज्ञान की बात मत करो, जो मरते दम तक दुकान नहीं छोड़ता उसके सामने वैराग्य की बात मत करो, और क्रोधी और कामी के सामने कभी हरि कथा मत कहो। लाओ लखन मेरा धनुष बाण, आज बताओ समुद्र देव को मैं कौन। लखन जी तैयार बैठे, भगवान ने धनुष हाथ में लिया, बाण चलाना चाहते हैं, उतने में समुद्र भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर सागर से प्रकट हुए, मणि माने की थालियां लेकर, और क्षमा मांगेंगे भगवान से। लेकिन किस तरह किसके सामने क्या नहीं करना चाहिए, राम जी कह रहे लखन जी से इन आगे के चौपाई में। प्यारो लागे जी माने प्यारो लागे, बालाजी 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 थारो सुंदर कांड माने प्यारो लागे, बालाजी थारो सुंदर कांड माने प्यारो लागे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, बान सरासन आन तो शो बारिश बिस्क कशान, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, प्यारो लागे जी मानो प्यारो लागे, संधा ने प्रभु विसिक कराला, उठी उदती उर अंतर ज्वाला, कनक धार भर मणिगण नाना, काटे पै कदरी परै रम कोट जतन कौ सींच रामा, प्यारो लागे जी माने प्यारो लागे, प्यारो लागे जी माने प्यारो लागे, बालाजी 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 थारो सुंदर कांड माने प्यारो लागे, बालाजी थारो सुंदर लागे। क्षमा मांग रहे हैं समुद्र भगवान राम जी से। हम पांचों की करनी जड़ है, आकाश जल वायु पृथ्वी और अग्नि, हम क्या सुने आपकी प्रार्थना को, प्रभु क्षमा करो। मेरे जैसे एक करोड़ों को आप सुखा सकते हो एक बांध से, लेकिन आपके ऐसा करने से हमारी महिमा समाप्त हो जाएंगी। प्रभु मैं आपको बताता हूं मुझे पार करने का उपाय। आपके दल में दो वानर ऐसे हैं जिनका नाम है नल और नील, आप उन दोनों को
आज्ञा दीजिए, क्योंकि उनको बचपन में विश्वकर्मा ऋषि के द्वारा वरदान मिला है, पानी में पत्थर भी डालेंगे तो डूबेगा नहीं, तर जाएगा। आप उन दोनों को सेतु बांधने के लिए आज्ञा दीजिए। जितना बल मैं लगा सकूंगा मैं अवश्य लगाऊंगा, लेकिन ये बाण मुझ पर मत चलाइए। भगवान ने कहा समुद्र देव, ये बाण आगे जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। समुद्र भगवान ने कहा आपको बाण ही चलाना है, तो उत्तर दिशा में कुछ राक्षस मुझे सताते हैं, आप उन पर बाण चलाओ और उनका वध करके मुझे सुखी करो। समुद्र देव की विनंती पर भगवान ने उत्तर दिशा में बाण चलाया, राक्षसों का वध किया, समुद्र देवता को सुखी किया और समुद्र भगवान स्तुति करते करते